Cook it up with Tarla Dalal. Welcome, friends. हफ्ते में होते हैं 7 दिन और 7 दिन में मैं 21 बार खाना खाता हूं और उन 21 बार में अगर 21 नई रेसिपीज ना हो तो जिंदगी का मजा ही क्या. I enjoy food and I love to have variety as you all do. देखा कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा हूं मैं. कहां वो पाव भाजी खाने वाला सुधांशु पांडे बन गया है एक जेंटलमैन. देख रहे हैं आप. पर इसका सारा क्रेडिट जाता है तरला दलाल को. सो लेट्स वेलकम तरला जी. आइए तरला जी. नमस्ते मेरे जेंटलमैन. कैसी थी कल रात की पार्टी? तरला जी बहुत अच्छी थी कल रात की पार्टी. बल्कि लोग तो अब ये पूछने लगे हैं कि खाना कैसे बनाया. After all, with expert Tarla ji on my side, even I have become an expert. कहाँ तक पहुँच गया? हाँ, बोलो. अब क्या बनाने वाले हम लोग आज? एकदम नई नई चीज सिखाऊंगी. अच्छा? We take you to the world of Thailand. Tarla ji, हम लोग थाईलैंड में लैंड कर चुके हैं. कितनी खूबसूरत जगह है ये थाईलैंड और कितना खूबसूरत है ये क्विजिन जो हम लोग बनाने वाले. तो शुरू करें. चलो. क्या बना रहे हैं हम लोग? पहले हम सैलेड बनाएंगे. सैलेड बना रहे हैं? इसका नाम है सोम टैम. S-O-M-T-A-M, Som Tam Salad. Som Tam. That's right. शुरू करें. चलिए. ये क्या है मालूम है तेरे को? अरे ये तो अपना हिंदुस्तानी चीज है. Correct. है? तुम कब गए भाई थाईलैंड? ये कच्चा पपीता. जी. इसको छील के. अच्छा ये कच्चा पपीता है? हाँ जी. ये कच्चा पपीता है. इसको छील के इसको ऐसा खींच देने का. क्या? ग्रेटेड. ओके. अभी इसके एक सैलेड के लिए तेरे को काम करना पड़ेगा. उसका ड्रेसिंग बनाएंगे. वो दिन बनाया था अपनी ड्रेसिंग. हाँ तो उसका ये है ना ये ड्रेसिंग. इसमें गुड़ पड़ता है. क्या है? गुड़ पड़ता है. और थाईलैंड में सब चीज में गुड़ लेमन जूस ये बहुत आता है. जी. ये है क्या? लेमन जूस. ये है लेमन जूस एंड अ लिटिल बिट ऑफ रेड चिलीज. क्या? रेड चिलीज. हाँ जी बहुत कम. ओके. कुछ नहीं तो रेड बस. अभी इसको रेड चिली है ना अपने स्वाद अनुसार. स्वाद अनुसार तीखा चाहिए तो चाहिए. अच्छा नहीं तो अभी हम लोग कितने लोगों के लिए बना रहे हैं सलाद? अभी हम लोग 2 आदमी के लिए. 2 आदमियों के लिए सलाद काफी. ये इसको क्या बोलते हैं? चौलाई. क्या बोलते हैं? चौलाई. चौलाई. हाँ. ओके. ये चौलाई को छोटी छोटी काट दिया और वो भी उसके साथ थोड़ा सा कूट लेने का. ये लोग बहुत इसका उपयोग करते हैं. ये गजब अलग किस्म का सब इंग्रेडिएंट्स है पर खाने में मजा आती है. नाम है चौलाई और चौलाई इतनी कम. अच्छी तरह घुटने के बाद जी. इसमें क्या है खट्टा मीठा का बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है और थोड़ा तीखा. ओके. जो बैलेंसिंग हो गया है सैलेड तैयार. ओके. ये सबसे बड़ी बात है. ठीक. लाइए हो गया तेरा? हाँ ये काफी बैलेंस हो चुका है. इसके ऊपर डालते. ओके. अभी अभी है थोड़ा सा जी नमक और ये है टमाटर टमेटो. ओके. धनिया. अभी मालूम पड़ गया. पहचानने लगा हूँ. हाँ तो ये बन गया अपना सैलेड. ओके. सैलेड बन गया. रेडी. क्या बात है. और इसके ऊपर डालेंगे रोस्टेड पीनट. रोस्टेड पीनट. सेंगदाने यू नो. इसका चूरा बना के डालते हैं हम लोग. हाँ कच्चा पक्का. तो ये अंदर डालते. सो दिस इज द मेन टेस्ट ऑफ थाईलैंड. अभी इसको फिर वापस अभी इसमें भर देंगे. कितना सुंदर दिख रहा है ना? बहुत सुंदर दिख रहा है. और आप देख रहे हैं कि ये सलाद जो है जिसका नाम है सोम टैम ये सम टाइम में ही तैयार हो गया है. कितना आसान है वाकई. और ये बन गया अपना. अभी तो चखेगा थोड़ा जी, सा. जी. बहुत मजा रहा है. सोम टैम सैलेड बनाने के लिए आपको चाहिए ग्रेटेड कच्चा पपीता 3 कप, स्लाइस टमाटर 1, स्लाइस चावली यानी कि लॉन्ग बीन्स 1/2 कप, लाल मिर्च 3 या 4, क्रश्ड रोस्टेड पीनट्स 1/2 कप, ग्रेटेड गुड़ 3 टेबलस्पून, नींबू का रस 2 टेबलस्पून, चॉप्ड धनिया 2 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार. सबसे पहले ड्रेसिंग बनाने के लिए गुड़ नींबू का रस लाल मिर्च और चावली को मिलाकर कूटिए. अब एक सैलेड बोल में रखे हुए ग्रेटेड कच्चे पपीते पर इस ड्रेसिंग को पोर कीजिए और इसमें नमक टमाटर धनिया और रोस्टेड पीनट्स ऐड करके टॉस कीजिए. सोम टैम सैलेड तैयार है.
अगर आपको कोई सवाल पूछना है इनसे इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तला जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने सब इंडियन चीजें यूज की है, जैसे कि पपीता और मसाले या ग्रीन चिली जो भी है इंडियन यूज किए हुए है, हाँ जी, तो फिर ये थाईलैंड की डिश कैसे हो गई? ब्यूटी इज अ कॉम्बिनेशन माय डियर। गुड़, लेमन जूस, लाल मिर्च और ये चौला डाली ना, उसको कूट के बनाने की विधि, दैट इज थाईलैंड। ओके, तो कहने का मतलब ये कि इसमें जो हमने चीजें डाली थी वो सारी इंडियन थी, लेकिन इसको बनाने की विधि जो है वो थाईलैंड की है, इसलिए इसको थाईलैंड की डिश बोला जाता है। तला जी, आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। कुछ नहीं होएगा। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बताइए सबसे पहले। जस्ट पे लिटिल अटेंशन। ओके, मुझे असल में लग रहा है कि अगली बार से मैं नोटबुक लेके आऊंगा, तब मुझे अच्छी तरह याद होगा, है ना? देखो, थाई कुकिंग में है ना, मेन इंग्रेडिएंट जो मेन वस्तु है वो है नारियल का दूध। क्या है? नारियल का दूध। नारियल का दूध। और दूसरी चीज है सबसे बड़ी फ्लेवर, ये क्या है? दिस इज हरी चाय, क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रास, राइट? लेमन ग्रास। लेमन ग्रास, हाँ। पर लेमन ग्रास है यहाँ तक ही लेने का, नीचे का नहीं लेने का। अच्छा, उसके नीचे का सब बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है, वो चाय बना लेंगे आप। बहुत बढ़िया खुशबू आती चाय में। हमने ये तो काफी हद तक समझ लिया कि इसमें क्या क्या चीजें पड़ती हैं, लेकिन इस डिश का नाम क्या है? रेड करी। रेड करी, दैट्स राइट। थाई रेड करी। थाई रेड करी, दैट्स राइट। ओके ओके, तो रेड करी में क्या क्या मसाला पड़ता है देख लेंगे। अभी ये है लाल मिर्च, जी, दैट्स द मेन इंग्रेडिएंट। दूसरा है गार्लिक, फिर है कोरिएंडर सीजन, जीरा पाउडर। ओके, और ये है अदरक। वो लोग डालते गलागल, क्या डालते? गलागल, गलागल आप लोगों ने शायद सुना होगा, ये बोलते हैं इसको गलागल। देन काली मिर्च, प्याज, प्याज, हाँ, ये अपनी यही क्या बोलते हैं, लेमन ग्रास, दैट्स राइट। ओके, लेमन ग्रास एंड बेसिल लीव्स और थोड़ा सा नमक, ये सब चीजों को, हाँ, ये तो रहेगा, क्या है ये? ये तो धनिया लग रहा है मुझे, धनिया दंडी के साथ। ओके, हाँ, ये सब चीजें चाहिए इसमें, इसमें ये नहीं होगा वो नहीं होगा, नहीं चलता इसमें, क्या समझ गया? तो ये आई वुड टेल यू फ्रेंड्स कि जब ये बना के रखते हैं ना पेस्ट, एक साल तक आप बहुत सी प्लेस बना के डीप फ्रीजर में भर के रखते हैं। जब भी आपको रेड करी बनानी हो, इतनी सी पेस्ट निकालो, 6 टेबल स्पून रफली, इट मेक्स फॉर 4-5 पीपल। अभी चल, तू गैस चालू कर। गैस चलाऊं? हम्म, ओके, अभी समझ गया, लड़का होशियार है। अब आप ढक्कन हटाया मैंने, थोड़ा सा तेल, और भी होशियार, 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून अभी ये पेस्ट है ना, मैंने पहले बना के रखी है, ये हुआ रेड पेस्ट, ये हुआ 2, ये हुआ 3, तीन, राइट, 3 टेबल स्पून ऑयल, ऑफ ऑयल। अच्छा, फिर आप ये डालोगे, ये डाल दो उसमें, गरम होने दो, और फिर उसके बाद ये पेस्ट फ्राई करना। इतने टाइम में आप लोगों को मैं समझा रही हूँ इसमें सब्जियाँ क्या क्या पड़ती है। ये सब्जियों में है, ये है क्या है, हरा रंग का कॉलीफ्लावर जिसको हम ब्रोकोली कहते हैं। सीजन में नहीं मिला तो कोई हरकत नहीं है, बम्बई में मिलता है पर बारगाम साइड नहीं मिलेगा, तो अपना सादा कॉलीफ्लावर भी चलेगा। ये है गाजर, आप लोगों को मालूम है सब लोगों को। ये है बेबी कॉर्न, और ये है बैगन, क्या है, छोटे से बैगन। ये सब सब्जियां लेने की, और दूसरी एक चीज है वो है, ये है तोफू, क्या है, तोफू, तोफू, ये है तोफू, और ये है मशरूम्स, क्या है, मशरूम। अभी ये 4 और 5 और 6 में एक चीज नहीं होगी तो भी आपकी करी बनेगी। ओके, तेल तो गर्म हो गया। ओके, हाँ, पेस्ट डाल दीजिए, धीरे से डालना जी। अभी ये पेस्ट डाल रहा है, सेक रहा है, तो अभी ये नारियल का दूध है, ये दूध में क्या होता है कभी कभी फट जाता है, यू नो इट सेपरेट्स, तो नहीं फटने के लिए अंदर क्या मिलाते हैं, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, कितना, थोड़ा सा, इसे क्या होगा, नारियल का दूध कभी नहीं फटेगा, आप लोग समझ गए ना सर? नारियल का दूध कभी ना फटे उसके लिए उसमें कॉर्नफ्लावर डालना जरूरी होता है। अभी हलाओ प्लीज जल्दी। ठीक है, चल अभी बराबर हो गया है ना, सेक गया है ना जी। तो अभी हम क्या डालेंगे, ये नारियल का दूध, तो ये सब सब्जियां मैं डाल देती हूँ, तो उसे पकने देने का।
ये है मशरूम और ये टोफू और ये ब्रोकली बाद में डालेंगे जी। जब पक जाएगा तब नमक डाल दीजिए। ओके सभी इसे ढक दे प्लीज। 10-15 मिनट में करी तैयार हो जाए। आपको कोई सवाल पूछना है इसमें से? तरला जी ये टोफू क्या चीज है और टोफू अगर अवेलेबल ना हो तो पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं? टोफू है यानी सोयाबीन का है, ये सोयाबीन के दूध से बनता है टोफू। अने वो लोग चाइनीज कुकिंग में बहुत पड़ता है, सभी जगह आप ईस्टर्न कंट्रीज में टोफू ही बहुत इस्तेमाल करते हैं। पर टोफू का स्वाद है थोड़ा अलग होता है, पनीर जैसा दिखता है पर स्वाद में वो अलग है। ये जो बेजल लीव्स है, हाँ जी, ये हर जगह नहीं मिलते हैं तो उसकी जगह पे क्या यूज करना चाहिए? आप उसके बजाय तुलसी के पत्ते पर थोड़े कम। थैंक यू तलाश। वेलकम। चलो अपनी करी हो गई तैयार। अपनी करी हो गई तैयार। हाँ देखो देखो अभी हम दाल देखे क्या टोफू। अब हमने इसमें डाल दिया है टोफू। अभी डाल देंगे ये है ब्रोकली और ये है बेसिल के पत्ते। अब इसको मैं हिलाऊं? हाँ जी जरूर हिलाइए। ओके गलत चीज़ ये है थोड़ा सा सोया सॉस। जब भी खाना हम परोसते हैं मेहमानों को पहले से जो भी हम देते हैं ना पहले चख लेने का गपचुप है ना, खट्टा मीठा तीखा अपने हिसाब से कर लिया। हाँ। फिर देने में कभी गड़बड़ी होती। परोसने से पहले हमेशा चख लिया करिए कि ये मेहमानों को पसंद आएगा कि नहीं, और अगर आपको मेहमान पसंद नहीं है तो उसमें नमक ज्यादा डाल दिया करिए। ऐसा बात कर जो जब भी ये करी ज्यादा तीखी लगे तो थोड़ी सी क्रीम डाल दीजिए और पिंच ऑफ शुगर तो करी विल बी नाइस। और कभी करी फीकी लगे और फ्लेवर नहीं लगे तो लाल मिर्ची डाल, लाल मिर्च डाल, कश्मीरी लाल मिर्च भूलेगा नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च, सोया सॉस ये डाल दीजिए और ज्यादा तुलसी के पत्ते और बेसिल के पत्ते जी। पर हमेशा अपना टेस्ट से बैलेंस करना ही चाहिए, वो पहले सीखना चाहिए कितना इंग्रेडिएंट्स आएगा पर अपने अपना टेस्ट तो अपने को बैलेंस करना चाहिए। अच्छा रेड करी तो तैयार हो गई। तैयार हो गई तला जी। I have to make a very honest confession right now. बोलिए। वो ये कि घर आए मेहमान को अगर इम्प्रेस करना हो तो उसे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना चाहिए। राइट। और मैं भी अब से यही करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये खाना खाऊंगा क्योंकि इस वक्त मैं भी खुद का मेहमान हूँ और अगर खुद का मेहमान और अगर मैं नहीं खुश होऊंगा तो सुधांशु कैसे खुश होगा? अरे है ना, तो मैं खाना शुरू करूँ? ओके ओके। हेल्प यूर यस आई विल। थाई रेड करी बनाने के लिए आपको चाहिए नारियल का दूध 2 कप, कॉर्नफ्लावर पेस्ट 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1/2 टीस्पून, चॉप्ड बेसिल लीव्स 15, चॉप्ड गाजर 1/2 कप, डाइस्ड बेबी कॉर्न 1/2 कप, डाइस्ड बैगन 2, ब्रोकली 1 कप, मशरूम्स 1/2 कप, ऑयल 3 टेबलस्पून, टोफू 1 कप और नमक स्वाद अनुसार। रेड करी पेस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए पानी में सोक किए हुए कश्मीरी लाल मिर्च 10, चॉप्ड प्याज 1, लहसुन 4 क्लोव्स, ग्रेटेड अदरक 1 टेबलस्पून, लेमन ग्रास स्टॉक्स 2, कोरिएंडर स्टॉक्स 6, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। सबसे पहले रेड करी पेस्ट बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर मिक्सी में ब्लेंड कीजिए। अब एक पैन में तेल गरम करके 6-7 टेबलस्पून रेड करी पेस्ट ऐड करें और फ्राई करें। अब इसमें नारियल का दूध डालें और कुक करें। इसके बाद गाजर, बेबी कॉर्न, बैगन, मशरूम और नमक ऐड करके 10 मिनट के लिए कुक करें। अब टोफू, ब्रोकली, बेसिल लीव्स और सोया सॉस ऐड करके और कुक करें। थाई रेड करी खाने के लिए तैयार है। तला जी, बहुत अच्छा है, बहुत गर्म है। आई एम टर्निंग रेड विद दिस रेड करी। और इससे पहले कि मैं डीप रेड में टर्न कर जाऊं, कुछ मीठा बताइए। मुझे मालूम था तेरे को मीठा ही चाहिए। मालूम था। हाँ, नाटक मत कर। हाँ, तो मैं अभी तेरे को मीठा बना दी। क्या बनाने वाले? वेरी इजी, वेरी सिंपल। फ्रेश फ्रूट इन क्रीमी कोकोनट सॉस। इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है और तरला जी ये प्रूव करके दिखाएंगे। तरला जी, मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं। तो छोड़ छोड़। अच्छा ठीक है, तो हम लोग जल्दी से शुरू कर दें। नहीं दूंगी अभी, पहले गैस चालू करो। ओके गैस चालू करो। नमस्ते। एक क्या लेंगे? पहले 1 कप पानी। इसके अंदर डालेंगे क्या? कॉर्नफ्लावर।
तेरे को मालूम है ना कॉर्नफ्लावर हमेशा किस में मिक्स करना चाहिए? कॉर्नफ्लावर हमेशा ठंडे पानी में, ठंडे पानी में, गर्म पानी में डालेगा गोली गोली हो जाएगी। ये चम्मच ले चल। इसका क्या करूं? तेरे को हलाने का है? अच्छा, मेरे को मजाक करने को नहीं दिया? क्या बात। हाँ चलो, अभी ये कॉर्नफ्लावर डाल दिया। ये वही चम्मच है जिससे मैं डाल दिया जी। अभी हम डाल देंगे शक्कर 4 टेबलस्पून। ये कितने लोगों के लिए? कितने लोगों के लिए? क्या ये है? कोकोनट क्रीम। क्या है? कोकोनट क्रीम। That's right. बस अभी तुम उबाल। Okay. तो ये उबालते समय हिलाना चाहिए जी। क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर और इसको फ्लेवर देंगे क्या? किसकी? रोज की, गुलाब जल। इसमें कोई सवाल पूछना है पुडिंग के लिए आप लोगों को? जी तरला जी। हाँ जी। कोकोनट क्रीम तो मार्केट में नहीं मिलती है। राइट। घर में बनाना है तो कैसा बनाया जाए? दो तरीका है हमेशा। पहले तो हम नारियल का दूध घर पे निकालते थे, बराबर है ना? हाँ, नारियल को कस के उसके अंदर कपड़े में डाल के उसका पहला दूध निकालते थे, वो गाढ़ा दूध। वो किसका? और बाद में वही नारियल में पानी डाल के हम लोग दूसरा दूध निकालते हैं। okay. जिसको जो सिलौनी इस तरह की करी बनती है। कैसी सिलौनी करी? वो लोग पहला गाढ़ा नारियल का दूध, बाद में पतला नारियल का दूध, ऐसे बनाते। तो अभी जो पहला दूध है ना, वो उसको बोलते हैं कोकोनट क्रीम। हाँ, उसमें पानी नहीं होता है, प्योर नारियल का दूध। मैंगो के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा? इसके अंदर मैंगो पल्प डाल दो, थोड़ी सी क्रीम डाल दो, बढ़िया आइसक्रीम। काफी गाढ़ा हो गया देखो। सूप में भी पड़ता है। हाँ। इसलिए सूप भी गाढ़ा हो जाता है। ओके। गैस बंद करूं? हाँ जी। हाँ। अभी डालेंगे अंदर क्रीम। क्या डालेंगे? क्रीम नहीं होगी तो भी चलेगा। फिर क्या डालें? दूध चलता है। और गुलाब, रोज एसेंस और गुलाब जल, वन ऑफ द टू। ओके। सभी में तेरे को दे रही हूँ थोड़ा सा फ्रूट। लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। दिस इज लिटिल गरम पर चलेगा अभी, और ठंडा देना चाहिए। ओके। और लेंगे हम पाइनएप्पल, पपाया, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, कीवीज। और कोकोनट क्रीम सॉस के लिए चाहिए कोकोनट क्रीम 1 कप, कॉर्नफ्लावर 4 टीस्पून, चीनी 5 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून, रोज एसेंस यानी कि गुलाब जल 1/4 टीस्पून। कोकोनट क्रीम सॉस बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्नफ्लावर को 1 कप पानी में डिसॉल्व करें। अब एक पैन में इस मिक्सचर को डालकर इसमें चीनी, कोकोनट क्रीम और रोज एसेंस ऐड करके बॉईल करें जब तक सॉस गाढ़ा ना हो जाए। अब फ्रेश क्रीम ऐड करें और इसे ठंडा होने दें। फ्रेश फ्रूट्स के ऊपर ठंडा कोकोनट सॉस पोर करें और ये सर्व करें। We'll be back next week once again to cook it up with Tarla Dalal. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.